नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। बिहार में विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुजफ्फरपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी पर जमकर हमला बोला था। ने बिना किसी का नाम लिए कहा था, जंगल राज के युवराज बिहार को आगे कैसे ले जाएंगे। अब पीएम मोदी की रैली के एक दिन बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा कि वो देश के पीएम हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर बोलना चाहिए। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के चलते राज्य में राजनीतिक रैलियों का दौर जारी है। बीजेपी खुदी बिहार में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने अपने भाषण में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उन्हें जंगल राज का कहते हैं क्या कहा था पीएम मोदी ने। जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए ही बिहार के लोग इस प्रण के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कोरोना के साथ ही बिहार को नुकसान पहुंचाने वाली इन ताकतों को भी हराना है। अब पीएम मोदी के इसी बयान पर गुरुवार को तेजस्वी ने कहा, वो देश के पीएम हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। तेजस्वी ने कहा कि लेकिन वो आए थे तो उन्हें बिहार के विशेष पैकेज, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी बोलना चाहिए था। को ज़्यादा इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आए थे तो विशेष पैकेज के बारे में, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के बारे में, बेरोजगारी पर, कारखानों पर उनको बोलना चाहिए था। मोतिहारी भी गए थे, शुगर मिल के बारे में उन्होंने कहा था कि चाय वहीं की चीनी की चाय वो पियेंगे, इस पर उन्होंने कोई बात नहीं कही। पलायन, गरीबी, भुखमरी, मजदूर, किसान पर बिहार के लोगों की उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस पे बोलेंगे। अब आप देखिए, हमारे विरोध में तो बिहार सरकार, भारत सरकार, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 30-30 हेलीकॉप्टर सब लगे हुए हैं, और इस तरह के बातों को जिक्र अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हमको लगता है कि जनता जो है वो सब जानती है, और लेकिन प्रधानमंत्री जी को मुद्दे की बात पे कहना चाहिए था। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू उम्मीदवारों के प्रचार के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे। पीएम ने पहले दरभंगा में रैली की, इसके बाद मुजफ्फरपुर में सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियों की चुनावी घोषणा पर पीएम ने कहा, आरजेडी जो बिहार के उद्योगों को बंद करने के लिए बदनाम है, जिसके चलते यहां से निवेशकों ने दूरी बना ली, आज राज्य के लोगों को विकास का वादा कर रही है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि अगर आरजेडी सत्ता में आती है तो निजी कंपनियां भी बिहार से चली जाएंगी, क्योंकि उनके समर्थित गुंडे राज्य में अवैध वसूली शुरू कर देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।